सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा सागर तट पर। जैसा कि देखा जा रहा है कि पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से तीर्थयात्री आए हैं और पुण्य का स्नान कर रहे हैं। जैसा कि हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कुछ दिखाएं तस्वीरें, किस तरीके से पुण्य स्नान करके पुण्य का लाभ लेना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से देखा जा रहा है कि सागर तट पर ड्रोन उड़ा करके कहां पर किस तरीके का सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए गुरुवार की सुबह हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सागर में डुबकी लगाई। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग कपिल मुनि के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ड्रोन के जरिए गंगा सागर के तटों पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व सतर्कता दोनों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के रास का नाम विकास नहीं है। कृतयुग जिसको सतयुग कहते हैं उसकी अपेक्षा त्रेता युग, त्रेता की अपेक्षा द्वापर, द्वापर की अपेक्षा कलयुग रास युग है। कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण भी रास युग ही है। फिर से सुनिए, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के अपकर्ष का नाम विकास नहीं है। इस यांत्रिक युग में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के रास को ही विकास माना जा रहा है। मैं एक संकेत और करना उचित समझता हूँ। मनु जी ने 1163 के माध्यम से इस तथ्य को उद्घोषित किया कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता रहेगा तो दिव्य वस्तु और व्यक्ति का चित पाना कठिन है। बीज के रूप में ही दिव्य वस्तु और व्यक्ति का दर्शन हो सकता है। महायंत्र प्रवर्तनम विभीषिका है। ऊर्जा के जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये चार स्रोत हैं, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करने के कारण आज कुपित हो गए हैं, क्षुब्ध हो गए हैं। इसी तरीके से आप, जैसा कि आपने देखा कि गंगा सागर तट पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ तीर्थयात्री जो हैं वो पुण्य का स्नान डुबकी लगा कर के पूजा अर्चना करेंगे। इसी तरीके से आप सन्मार्ग के साथ जुड़े रहिए, आपको पल पल की खबरों से हम रूबरू कराते रहेंगे। सन्मार्ग के लिए गंगा सागर से मैं राम बालक दास और हमारे साथ है जयंतो दास। नमस्कार।